ले स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, अभी तक 3.3 तक सबका फिनिश हो चुका होगा। स्टिल किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है या तो कॉल कर सकता है, नो प्रॉब्लम, आपको आंसर मिलेंगे। यस, जैसे कि मैंने बोला हमको अभी आगे बढ़ना है, एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्चुअली। ओके, तो जस्ट हम बेसिक से शुरुआत करें, हमने बहुत सारे इक्वेशन देखे, जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, लेट अस, इस तरह के इक्वेशन हमने देखे थे, 2x + 1 = 0। ओके, या दिस इक्वेशन वॉज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल है 2x + 1, इसके ऊपर से हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। ओके, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। उसी तरह से हमने इसका सॉल्यूशन भी, हम x = -1/2 आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे दूसरा मैं ले रहा हूं इस तरह से, 2x + 3y = 5, 3x - 2y = 3। तो यस, इसका फिर हम बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये चीज हम सॉल्व करते थे और x और y को फाइंड करते थे। तो दिस आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टू लीनियर वेरिएबल। ओके, इस तरह से x और y यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर वेरिएबल्स। ओके, ये चीज हम बोलते थे। ओके, उसी तरह से हमारे पास ये चीज भी था, 3x² + 2x - 5 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x, इस तरह से। दैट मींस ये इन जनरल इस तरह से लिखते थे, x² + bx + c = 0। ओके, ये सारे इक्वेशन हमने वेरिएबल में पढ़े। ओके, नाउ वेलकम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? तो उसमें कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे ये x है ना, उसकी जगह पे अगर मैं लिख देता हूं 2sin x। ओके, सो यस, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और कुछ नहीं। जिस तरह से यहाँ पे एक्स वाई, या इसकी जगह पे, एक्स की जगह पे आप कोस्कर एक्स लिख लीजिए। ओके, फिर कोस्कर एक्स, 3cos x + 2cos x - 5 = 0। ओके, दैट विल बी बिकम अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो दीज आर द थिंग्स। यस, इक्वेशन तो इक्वेशन ही है, लेकिन जो वेरिएबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में आएंगे। ओके, और इसका सॉल्यूशन यानी कि इसके ऊपर से एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, क्योंकि जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको ऐसे ही आगे बढ़ना है, बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरीके की है। ओके, ये सारे हमने पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स, इस तरह से, और इन सबका सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये जो वेरिएबल एक्स वाई या एक्स जो लिया था उसकी जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, तो वो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो जस्ट मैं फॉर्मल जस्ट लिखता हूं, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहे जाएंगे इस तरह से, या एक्स वाई की जगह पे ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वेरिएबल में लगता हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे इसमें क्या है, 2x का सॉल्यूशन हम फाइंड कर दें, x को सब्जेक्ट बना के x का सॉल्यूशन हम x की वैल्यू फाइंड कर दें, दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसी तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं यस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके यस x की वैल्यू में फाइंड करता हूं। ओके, दैट इज -b + or -√b² - 4ac/2a, उस हिसाब से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं, जो x की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरिएबल के फॉर्म में आएंगे, तो उस वेरिएबल फॉर्म में से x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कहा जाएगा सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस,
यहाँ पे ट्रिग्नोमेटिक इक्वेशंस के दो तरह के सॉल्यूशन है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट वी विल कंसंट्रेट ऑन, मैं लिखता हूँ दोनों अभी, लेकिन फर्स्ट वी विल कंसंट्रेट ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उसके ऊपर कमांड आएगा तो उसके बेस पे ही जनरल सॉल्यूशन हमको एस्टैब्लिश करना है। ओके, और फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर ही हम कंसंट्रेट करेंगे। और इसके अलावा जब मैं 2 sin x लेता हूँ तो ये जो पार्ट है ना, जैसे आर्ग्यूमेंट पार्ट, दैट इज ये जो है वो एंगल का है, ठीक है, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर सम एंगल। दैट मीन्स जब ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस की कोई हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स किस एंगल के लिए एक्स क्या, कौन से एंगल के लिए, कौन से एंगल की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, एक्स की वो वैल्यूज वो कही जाएगी सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ हमने ये भी देखा है कि ऑल ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस वी जस्ट डिफाइन फॉर्म अ 4 quadrant, 4 quadrant में ऑल एस टी सी, 1 कम्प्लीट रिवोल्यूशन, 2π, उसके बाद सेकंड थर्ड, उस तरह से हम कंटिन्यूअस एंटी क्लॉकवाइज में रिवोल्यूशन ले लेंगे, अलग अलग मेरे को रेडियन एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर और उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है। तो उसी तरह से जो 1st कम्प्लीट रिवोल्यूशन में जो भी वैल्यूज आ जाती है उसकी फिर 2π रेडियन के बाद वो रिपीटेशन होता है, दैट वी नो ऑल ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस वैल्यूज आर रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 2π रेडियन, वो हमने सीखे है और उसके फॉर्मूला भी हमने आगे लिखे है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन आएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे एक कम्प्लीट, ये जस्ट मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ये चीज, ओके, हमने 1 कम्प्लीट रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो ये 2π रेडियन का होता है, ओके, और इसमें से यस कोई पॉइंट में लेता हूँ, वहां पे अगेन मैं 2π रेडियन मूव करके वापस आता हूँ तो उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ तो वहां पे ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, चेंज होती नहीं है। दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेटिक फंक्शंस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ 2π रेडियन, दैट वी ऑल नो। ओके, दैट इज फर्स्ट 2π रेडियन की हमको फाइंड करना रहता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से इसका ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन का सोल्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, फाइन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर विच 0 <laughs> 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 less than equals to x less than 2π is called principal solution of trigonometric equation। So इस तरह से यस, ये मैंने इंडिकेटिव लिया है, ऐसे दूसरे को बहुत सारे आ सकते हैं। यहाँ पे 2 sin x + 1 = 0, इसके ऊपर से ये x की जिस जो वैल्यू एक पूरे क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में जिस x की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो x की सब वैल्यूज वो कही जाएगी उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन में क्या, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन बाद में जब हम उसकी रिजल्ट एस्टेब्लिश करेंगे तब आपको तब अच्छे से पता चलेगा। द एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स इंटीजर एन विच गिव्स ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, राइट नाउ वी विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, डोंट वरी, उसका एक्सटेंशन ये चीज है, ये जस्ट चीज हम एस्टैब्लिश करेंगे तब अच्छे से आपको पता चलेगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेफिनेशन मैंने ये चीज लिखा है, बट राइट नाउ यू जस्ट ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेटिक इक्वेशंस। और हमको ये चीजें हमने बहुत अच्छी तरह से आगे देखी भी है, एस्टैब्लिश भी की है,
तो यहाँ पे ये 0 to 2 by, दैट इज ये एक्स की वैल्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, 2 sin x + 1 = 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा या ट्रू होगा ये इक्वेशन, वो एक्स की सारी वैल्यू वो कहा जाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और यहाँ पे जब ये एक्स में एक्स वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ इन्वॉल्व होता है तो एक्स वो एक एंगल है, तो एंगल के लिए हमने जस्ट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में हमने यस 2π रेडियन लिया है, और आफ्टर 2π रेडियन उसकी वैल्यूज रिपीट होती है, दैट मीन्स ये 0 to 2π रेडियन दैट इज चारों क्वाड्रेंट इंक्लूड हो जाते हैं, तो चारों क्वाड्रेंट में से जिस एंगल के लिए जिस एक्स की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया जाएगा वो चारों क्वाड्रेंट में जो एंगल के लिए होगा वो कहा जाएगा उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ये चीज है, इसका हम जस्ट किस तरह से करना है, तो पहले हम कंसंट्रेट करेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, ओके वो देखेंगे, उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी जस्ट हैव अ लुक एट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, यस, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x = √3। ओके, यहां पे ये चीज जो वेरिएबल के फॉर्म में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, तो दैट मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से हमको ये एंगल एक्स की वैल्यू 0 to 2π, दैट मींस चारों क्वाड्रेंट में से कौन सा एंगल के लिए साइन की वैल्यू √3/2 होगी, वो सारे एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कैसे, मैं आपको जस्ट दिखाता हूं किस तरह से। यहाँ पे sin x = √3/2 है ना, हम यहां पे देखेंगे तो sin x = √3/2, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट हम ये चीजें करेंगे, साइन की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहां पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो चारों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यस उसके लिए ये चीजें हैं ऑल एस टी सी। ओके, तो यहां पे देखो फर्स्ट में सारे, सेकंड में साइन, दैट मींस और यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, तो साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, √3/2 जो वैल्यू है साइन की वो एक्स का एंगल, अगर ये एक्स की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगी उस वैल्यू के लिए sin x = √3/2 पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे और एक चीज मैं पे ये लिख रहा हूं, यहाँ पे ये 0 है, π/2 है, π 3π/2, ये 2π है, हम सेकंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से π-x, और थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं π+x, या फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो 0 to π/2 डायरेक्ट वैल्यू में कर सकते हो, और या तो 2π+x और ये 2π-x, बट यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में आनी चाहिए, 0 to 2π के बीच में, तो यह 2π+x लिखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 2π से बड़ी हो जाएगी, तो ये मैं जस्ट 0 to 2π, क्योंकि 0 to π/2 यह वैल्यूज मेरे को सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए पता है, और ये 2π-x, यस ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे sin x = √3/2 है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फर्स्ट साइन पॉजिटिव है, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की कौन से वैल्यू के लिए sin x = √3/2 होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की π/3 वैल्यू है, दैट मीन्स साइन π/3 होगा ये चीज। ओके, नाउ यहाँ पे sin π/3 = √3/2, दैट मीन्स एक एक्स की वैल्यू मेरे पास आई π/3, अगर एक्स की वैल्यू मैं π/3 लूंगा तो उसके लिए √3/2 होगा, लेकिन यहाँ पे हमको चारों में 0 to 2π के बीच में यहाँ पे और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, ऑल्सो सेकंड क्वाड्रेंट यानी क्या हुआ π-x, तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू फाइंड की होगी ना उसको एक्स ले लेने का, ऑल्सो साइन π-π/3,
ओके साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो हमारा जो एलाइन एंगल जब का कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये साइन का साइन रहेगा और साइन पाई बाई थ्री हम लिख पाएंगे. साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन पाई बाई, बिकॉज इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा. ये जो हमारे एलाइन एंगल का जो कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है. और साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या हुई, रूट थ्री बाय टू. दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय होगा, तो साइन पाई बाय थ्री एंड ये पाई माइनस पाई बाय थ्री, देयरफॉर यहाँ पे ये चीज साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, टू पाई बाय थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री, इसके ऊपर से मैं ये चीज लिखूंगा, दस साइन पाई बाय थ्री इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2, इस कंक्लूजन पे आएंगे. और ये मैंने पाई माइनस पाई बाय 3 किसके ऊपर से डिसाइड किया, तो यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है. साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में है. फर्स्ट में तो सिंपली 0 टू पाई बाय 2 के बीच में जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी साइन पाई बाय 3. और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सेकंड क्वाड्रेंट का एक्सप्रेशन पाई माइनस एक्स, वेयर एक्स जो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहा हूँ वही वैल्यू भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो वही चीज मैंने लिखी पाई माइनस पाई बाय थ्री, उसके लिए साइन पाई बाय थ्री इक्वल टू रूट थ्री बाय टू ही होगा. दैट मीन्स यहाँ पे साइन पाई बाय थ्री के लिए भी रूट थ्री बाय टू होगा और साइन टू पाई बाय थ्री के लिए भी रूट थ्री बाय टू होगा. दैट मीन्स एक्स की ये दो वैल्यू होगी, जब एक्स की वैल्यू पाई बाय थ्री होगी या तो टू पाई बाय थ्री होगी तब साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू होगा. तो ये जो दो वैल्यूज आई मेरे पास पाई बाय थ्री और टू पाई बाय थ्री, this will call the principal solution of this trigonometric equation. Okay, so therefore pi by 3 and pi by 3, 2 pi by 3 are the principal solutions of साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू. स्टिल में आगे और भी एक दो दिखाता हूं तो आपको ये चीज, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन को हमको आगे बढ़ना है तो उससे पहले हमारा कमांड प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे होना चाहिए, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक्सटेंशन है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आएगा, जनरल जो सॉल्यूशन है वो एनी, वो बहुत सारे एंगल के लिए जो सेटिस्फाई कर सके वो ऑल पॉसिबल एंगल को वो इंक्लूड करेगा विद एक्सप्रेशन ऑफ इंटीजर एन. वो आके हम आगे देखेंगे, बट फर्स्ट वी विल कंसंट्रेट ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि जो पूरा वन रिवोल्यूशन लेते हैं, जीरो टू टू पाई का हम रोटेशन करते हैं, तो उस रोटेशन में कौन से वैल्यू के, एक्स की कौन से वैल्यू के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन करेक्ट होता है, वो एक्स का वैल्यूज वो कहा जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. वो साइन के ऊपर से डिसाइड होगा, उसके ऊपर से क्वाड्रेंट डिसाइड होगा और क्वाड्रेंट के ऊपर से ये एंगल्स डिसाइड होंगे. ये जस्ट मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको दिखाता हूं. ठीक है प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिखा है. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री. ओके यस, फॉलो वही चीजें करनी है मेरे को. टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है. दैट मींस एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इज अ रेडियन, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए चारों क्वाड्रेंट में से जो वैल्यू के लिए टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री मेरे पास आए. अब इस एग्जाम्पल नेगेटिव है ना, तो यस फर्स्ट मैंने पॉजिटिव किया था तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो एक एंगल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ ही जाएगा. बट नेगेटिव होगा तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी के क्वाड्रेंट पे सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले ये नेगेटिव साइन को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, वन बाय रूट थ्री. तो ओके दैट मीन्स टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल के लिए टेन एक्स की वैल्यू वन बाय रूट थ्री होगी, तो पाई बाय सिक्स. तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस, ये मैं जस्ट सिंपली वन बाय रूट थ्री की वैल्यू लिख रहा हूं, टेन पाई बाय सिक्स. ये सॉल्यूशन नहीं है अभी, ओके, क्योंकि
एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. ओके नाउ यहाँ पे टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री है. यहाँ पे टेन एक्स जो दिया है पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव वैल्यू दिया है, तो कि टेन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है. टेन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? ओके तो टेन एक्स सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. ओके ये जस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. यस वी हैव ऑल एस टी सी और उसके ऊपर से ही यस यहाँ पे जो जो मैं नोट कर रहा हूं ना और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए दैट इज इनफ. ये जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू और टू पाई. यस यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस एक्स वेयर एक्स इज अ वैल्यू फ्रॉम अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज अ पाई प्लस एक्स. इतना ही ध्यान रखो आराम से ये चीज कर पाओगे. पाई प्लस एक्स दैट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट वेयर एक्स इज फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट. फोर्थ में जो है वो 2 पाई माइनस एक्स और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगी वो 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 2. ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को पाई माइनस एक्स, थर्ड को पाई प्लस एक्स और फोर्थ को 2 पाई. ये चीज ध्यान रखो ये जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको इतना इनफ है. ओके इसमें ज्यादा करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं. यस अब यहाँ पे देखते हैं वापस यहाँ पे आ रहा हूं. टेन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव है तो यस फर्स्ट तो नेट और इस वैल्यू के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है वो मैंने ली, दैट मीन्स ये एक्स मेरे पास आ गया. यहाँ पे जो मैं एक्स लिख रहा हूँ ना वो ये रहा आ गया मेरे पास. ओके ये एक वैल्यू आ गई बट यहाँ पे हमको मूव करना है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में टेन नेगेटिव नहीं है. टेन नेगेटिव किसमें है तो के सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर. सेकंड क्वार्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है पाई माइनस एक्स, फोर्थ का क्या है टू पाई माइनस एक्स. यहाँ पे एक्स ये ले लो और ये दो चीजों लिखो जिसमें दिखा रहा हूं कैसे. हियर टेन पाई माइनस एक्स में ये ले रहा हूं पाई माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन पाई बाय सिक्स. क्यों ये पाई बाय टू का इवन मल्टीपल हो गया तो जो टेन है तो टेन ही लिखेंगे. पाई माइनस पाई बाय सिक्स दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस टेन पाई बाय सिक्स आ गया. तो माइनस टेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या तो वन बाय रूट माइनस वन बाय रूट थ्री हुआ. ऑल्सो यस ये मैंने कहा से लिखा तो यहां पर टेन एक्स नेगेटिव है. नेगेटिव यानी टेन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो सेकंड और फोर्थ. सेकंड और फोर्थ सेकंड का रिप्रेजेंटेशन पाई माइनस एक्स, फोर्थ का टू पाई माइनस एक्स. ये एक्स मैंने यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके ऊपर से मैं लाया हूँ पाई बाय सिक्स. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस पाई बाय सिक्स और इसका सिंप्लीफिकेशन करते हुए जाओगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा. सेम में यहाँ पे यस फोर्थ में भी नेगेटिव है दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई माइनस एक्स की तरह. तो यहां पे 10 2 पाई ये एक्स ये हुआ पाई बाय सिक्स इज इक्वल्स टू यहां पे भी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो यहां पे 10 का 10 ही आएगा सो यहां पे होगा 10 पाई बाय सिक्स ही लिखेंगे. 2 पाई माइनस पाई बाय सिक्स विच क्वाड्रेंट डज इट इंडिकेट्स इट रिप्रेजेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव तो इसके बाद माइनस इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय रूट थ्री. दैट मीन्स इन दो एंगल की वैल्यू के लिए मुझे माइनस वन बाय रूट थ्री मिले. तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे 10 या सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 बाय 10 10 5 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 टू 12 माइनस 1 11 10 11 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू दोनों की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 3. तो ये दो हो गए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन. देयरफॉर 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 10x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 3. ओके और ये दोनों एंगल आप वेरीफाई करोगे तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है. ये सेकंड एंड फोर्थ दोनों में 10 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है. ओके स्टिल मैं आपको और एक दो दिखाता हूं. ठीक है यस यहां पे मैंने लिखा है फाइंड
principal solutions of cos x is equals to minus 1 by 2. ओके जस्ट ये जो तरीका है ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे ये चीज पे आप ध्यान करिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है और कोई चीज ही नहीं है जैसे यहाँ पे आपको इजीली आ जाएगी हमको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है 0 और 2 पाई के बीच में जिसके लिए cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 होगा यहाँ पे इसकी शुरुआत करनी है तो पहले तो इस तरह से cos x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 तो ये साइन इग्नोर करिए और 1 बाय 2 फर्स्ट क्वार्टर में जो भी वैल्यू आएगी जिस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1 बाय 2 होगी वो पहले लिखिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में x की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस 1 बाय 2 होगा सो दैट विल बी पाई बाय 3 सो आई कैन जस्ट राइट लाइक दिस माइनस कॉस पाई बाय 3 यस कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 ये चीज हुआ नाउ बट इट इज नॉट द सॉल्यूशन इट्स नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे मैं इसको ये एक्स हो जाएगा मेरे लिए अब ये जो इक्वेशन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में उसके ऊपर से उसको डिसाइड करना है यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू कैसी है नेगेटिव यस कॉस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो कॉस एक्स सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई माइनस एक्स और फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि पाई प्लस एक्स यहाँ पे कॉस सेकंड और थर्ड ये दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो दैट मींस जो एक्स का जो एंगल का वैल्यू है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का ही रहेगा तो यहाँ पे ये जस्ट ये पता चल गया ये आपको एक्स मिल गया सेकंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस एक्स और थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई प्लस एक्स जिसमें एक्स मेरे को ये चीज लेनी आपको ये एक्सप्रेशन आएगा ही हियर cos pi माइनस pi by 3 ओके यस एलाइड एंगल के हिसाब से जो अगर ये लिखेंगे तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ pi by 2 तो जो है वही लिखेंगे सो cos pi by 3 होगा नाउ ये एंगल जो क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करेगा उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वो साइन आएगी पाई माइनस पाई बाय थ्री सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव है तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये हुआ इट इज नथिंग बट माइनस 1 बाय 2 एंड यस और कौन से क्वार्टर में नेगेटिव है तो थर्ड दैट इज अ पाई प्लस एक्स यहाँ पे पाई प्लस एक्स एक्स यही पे होगा यही चीज देगा एक्स कॉस पाई प्लस पाई बाय थ्री यस एलाइड एंगल के कंसेप्ट के हिसाब से इट्स अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू तो कोस का कोस ही रहेगा कोस पाई बाय थ्री साइन डिसाइड करेगी ये क्वाड्रेंट जो रिप्रेजेंट करेगा उस क्वाड्रेंट में कोस ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/10 यस ये कंक्लूजन आएगा इन दोनों एंगल के लिए मेरे को माइनस 1 बाय 2 मिल रहा है यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन भी कर देगा इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 3 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 दैट इज 10 कोस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 इस तरह से हमको एग्जांपल में आगे बढ़ना है ठीक है ना और भी मैं आपको एक आध दिखा देता हूं ये स्टूडेंट्स यहां पे मैंने और दो एग्जांपल भी लिखे हैं फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग sec x इज इक्वल्स टू रूट 2 और cot x इज इक्वल्स टू माइनस ओके ये दो मैं आपको दिखा देता हूं फर्स्ट sec x इज इक्वल्स टू रूट 2 और यहां पे ये चीज आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जो मैंने आपको दिखाया वो ऑल एस टी सी वो वाला उसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट टू पाई माइनस एक्स और ये जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये चीजें आएगी ओके नाउ यहाँ पे sec x इज इक्वल्स टू रूट 2 है तो यहाँ पे तो फर्स्ट हम ये sec x here यहां पे रूट टू
तो यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए सेक एक्स की वैल्यू रूट टू होगी, दैट इज अ पाई बाय फोर. सो यस सेक पाई बाय फोर. ना हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो और टू पाई के बीच में ऐसी वैल्यू. और इतने एग्जांपल करने के बाद आपको ये अंदाजा तो आ गया होगा प्रिंसिपल वैल्यूज दो मिल रही है मेरे पास. ओके, सभी एग्जांपल में जो जो भी एग्जांपल हमने किए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यूज दो एंगल के लिए, जीरो टू टू पाई में दो एंगल के लिए ये चीज रीअकर होगा. ठीक है, यहाँ पे sec x इज इक्वल्स टू रूट एक्स रूट टू. तो फर्स्ट, तो जो फर्स्ट क्वार्टर में है, sec यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे sec पॉजिटिव है. sec कौन कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव है, तो sec फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर की तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आ गई है. अब हमारे पास रहेगी सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की. यहाँ पे पॉजिटिव होगा यानी फर्स्ट क्वार्टर तो डायरेक्टली आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो फिर आपको दो और ऑप्शन सोचने पड़ेंगे. बट पॉजिटिव होगा तो एक ऑब्वियसली सिलसिला फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारे पास आ जाएगा और दूसरे क्वाड्रेंट का हमको सोचना पड़ेगा. यहाँ पे sec पॉजिटिव है तो sec पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये वैल्यू आ गई. फोर्थ क्वाड्रेंट यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे, टू पाई माइनस एक्स. यहाँ पे एक्स क्या लेने का, ये चीज ऑल्सो sec टू पाई माइनस पाई बाय फोर. ओके, और ये लेने का रीजन sec फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव, वो दो फर्स्ट और फोर्थ क्वार्टर का मैं एंगल ले रहा हूं. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो यही चीज आएगी, बिकॉज इट्स अ पाई बाय टू, इट्स अ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, तो sec का sec रहेगा, तो sec पाई बाय फोर लिखेंगे. और इट इज रिप्रेजेंटिंग फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में sec पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगी और इसकी वैल्यू भी रूट टू. दस sec पाई बाय फोर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर देने का, sec फोर टू जा एट माइनस sec सेवन पाई बाय फोर इज इक्वल टू रूट टू. दैट मीन्स एक्स की इस दो वैल्यू के लिए मुझे रूट टू मिल रहा है, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज. ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय फोर एंड सेवन पाई बाय फोर. ये चीज हो गई. लास्ट वाला आप देख लेते, ये टू दैट इज अ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस. ओके, और यस मैं ये प्रैक्टिस इसलिए थोड़ी करवा रहा हूं, आपको जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसमें ये चीज हमको फाइंड करनी है और ये पता होनी चाहिए, तो ही जनरल सॉल्यूशन इसके ऊपर से एस्टैब्लिश होगा. दैट्स व्हाई जस्ट आई एम गिविंग लिटिल मोर प्रैक्टिस. यहाँ पे cot x इज इक्वल टू माइनस वन है, तो फर्स्ट तो साइन को इग्नोर करो. वन फर्स्ट क्वार्टर में x की कौन सी वैल्यू के लिए cot वन होगा वो सोचो, दैट इज पाई बाय फोर के लिए. तो यहाँ पे ये चीज होगा, फर्स्ट cot x इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज नथिंग बट माइनस कॉट ही लिखना है, कॉट पाई बाय फोर. नाउ ये मेरे को एक्स मिल गया. अब कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ पे कॉट नेगेटिव है. तो कॉट कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लाइक वाज टेन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का रिप्रेजेंटेशन पाई माइनस एक्स, फोर्थ क्वार्टर का रिप्रेजेंटेशन टू पाई माइनस एक्स, एक्स पाई बाय फोर हमको लेना है. कॉट पाई माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू एलाइड एंगल के हिसाब से यही चीज आएगी, कॉट पाई बाय फोर, और सेकंड क्वार्टर में कॉट नेगेटिव माइनस, दैट इज माइनस वन. ऑल्सो यस, ये सेकंड क्वार्टर हो गया. फोर्थ क्वार्टर दैट इज 2 पाई माइनस पाई बाय फोर, 2 पाई माइनस पाई बाय फोर, दैट इज ऑल्सो माइनस कोट पाई बाय फोर ही होगा. ये आप सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू हियर. यस, इन दो एंगल के लिए मुझे माइनस वन वैल्यू मिल रही है. दस कोट ये सिंप्लीफाई फॉर्म में रखना है हमको, कोट 3 पाई बाय फोर इज इक्वल टू कोट 7 पाई बाय फोर इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर
principal solutions are 3 pi by 4 and 7 pi by 4. Okay, yes, that's it. आज मैं यहां तक रखता हूं, आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूं, लिख देता हूं. यस, होमवर्क एक्सरसाइज 3.4 एग्जांपल 1 2 3 4. यस, 1 2 3 4, फर्स्ट फोर ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ही है. ओके, हमको राइट नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है. आपको जो एक्सरसाइज में प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों लिखे हैं, बट जस्ट गो फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ओके, उन चारों एग्जांपल के प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करके मुझे साइन करना दिखाना है. ओके, जनरल सॉल्यूशन का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और ये पार्ट कंक्लूड करेंगे. ओके, उसके लिए हमको 3 और रिजल्ट्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद हम ये आगे जनरल सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे. ओके, ठीक है, आज तक इतना है.